दोस्तों अभी 26 जनवरी को आपने देखा होगा ये जो किसान आंदोलन है ये आंदोलन से हंगामे में कैसे कन्वर्ट हुआ। और उस दिन जो इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया इन आंदोलनकारियों ने, मैं इनको आंदोलनकारी नहीं कहूँगा, मैं इनको हंगामेबाज कहूँगा। इन लोगों ने जो हमारे तिरंगे का अपमान किया और जो हमारी एक नेशनल प्रॉपर्टी है लाल किले का जो इन्होंने तोहीन की है, उससे दोस्तों देख के लगता है तो अब दिल्ली को दर्द झेलने की आदत पड़ गई है और दिल्ली को ऐसे दर्द पता नहीं क्यों मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि दोस्तों दिल्ली को ये सब चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ती हैं और दिल्ली वाले ही इन सब चीज़ों से क्यों परेशान होते हैं। तो दोस्तों मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे और इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के दर्द के बारे में। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों पिछले 2-3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली को कई परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। सबसे पहला अगर हम देखें रिसेंटली क्या हुआ, 2019 में CANRC के नाम पे पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया गया था और मुझे लगता है कई दशकों बाद CANRC के नाम पे जो दंगे हुए वो दिल्ली में कई दशकों बाद वो दंगे हुए, कई जगह हंगामा हुआ और एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी हंगामा हुआ, कई लोगों की जाने गई। और शाहीन बाग एक ऐसा एरिया है दिल्ली का जो पूरे इंडिया में लोगों को पता चल गया कि भाई दिल्ली में कोई शाहीन बाग की जगह है जो हाईजैक हो रखा है। वहाँ पर लोगों ने कई दिनों तक धरना दिया, लास्ट में जब कोरोना का टाइम आया जब लॉकडाउन का टाइम आया तो फोर्सफुली लोगों को वहां से हटाया गया, वरना वो लोग हटने को राजी नहीं थे, उन्होंने उस एरिया को पूरा बंधक बना लिया था। दोस्तों उस टाइम दिल्ली वाले इतना परेशान हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हर जगह हंगामा मचा हुआ था, खासकर 1-2 महीना तो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी दिल्ली में। दूसरा दोस्तों अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर जो हंगामा हुआ 26 जनवरी को, मुझे नहीं लगता जो कोई इंडियन है या इंडियन छोड़िए अगर कोई एक समझदार आदमी है तो इस चीज़ को भुला पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कंट्री के नेशनल फ्लैग का अपमान हुआ और बीइंग अ इंडियन मैं ये कहूँगा मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमारे झंडे को उतार करके वहाँ पे एक धार्मिक विशेष का झंडा लगाया गया और ये जो किसान आंदोलन को एक धार्मिक आंदोलन में बदल दिया गया। हालांकि कहने को एक किसान आंदोलन है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म का ही झंडा क्यों लगाया गया? और यार आप किसान हो, इसी देश के नागरिक हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आप तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते। आखिरकार इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया और लाल किले को जो इन्होंने क्षति पहुंचाई वहाँ पे इन्होंने काफ़ी हंगामा किया, ये सब देख के लगता है कि दिल्ली वालों की किस्मत में अब सिर्फ हंगामा देखना रह गया है। दिल्ली को परेशान किया जाता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, अगर किसी को कोई मैसेज देना है तो आके यहाँ पर हंगामा करेगा या यहाँ पर धरना देगा तो पूरे वर्ल्ड में इसकी कवरेज होगी, खासकर इंडियन मीडिया तो इसको कवर करेगी, इसके साथ साथ जो वर्ल्ड मीडिया वो भी कवर करेगी। हालांकि दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह है धरना देने के लिए, जंतर मंतर है, आप वहाँ धरना दीजिए। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको धरने का, बड़ा पीसफुल आंदोलन चला था और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था, लास्ट में उसके कुछ भी रिजल्ट निकले हों, अन्ना हजारे का आंदोलन, वो आंदोलन हर किसी को याद है। अन्ना हजारे की टीम ने कितने अच्छे तरीके से वो आंदोलन किया था, कितना पीसफुल तरीके से किया था उन्होंने, प्रॉपर तरीके से किया और अगर वो चाहते तो वो आंदोलन भी हंगामे में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन वहाँ पे एक लीडरशिप थी, लोगों का एक माइंडसेट था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो टीम थी, चाहे आज वो जैसी भी टीम हो जो भी हो, लेकिन उस टाइम उन्होंने जो आंदोलन किया कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया इन लोगों ने और प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्रेमाइस में आके उन्होंने आंदोलन किया, चाहे वो जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है कि आपको लोगों को परेशान करना है या अपना मैसेज किसी को देना है। CANRC के नाम पर इन्होंने लोगों को परेशान किया और किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली को परेशान किया गया। और दोस्तों इस मुद्दे पे कुछ बुद्धिजीवी हैं और जो इंटरनेशनल चीज़ों को कवर करते हैं, खबरों को कवर करते हैं, उनका यह मानना है कि जानबूझ के भी दिल्ली को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि जब दिल्ली बदनाम होगी तो वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करेगा और इंडिया की इमेज पूरे वर्ल्ड में ख़राब होगी। हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं जो आस पड़ोस के, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, इंडिया ने लॉकडाउन में जैसे कमाल करके दिखाया और अभी वैक्सीन के नाम पे इंडिया ने जो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है कि भाई इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन में वर्ल्ड गुरु है और अपने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी हेल्प भी कर रहा है, इंडिया उनको वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है और जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पर अपनी तरफ से इंडिया वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है। तो खासकर ये एलिगेशन चाइना पर आता है और एक दो नेबरिंग कंट्रीज़ और भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा।
उन पे ये एलिगेशन आता है कि जानबूझ करके इंडिया को डिस्टर्ब कर रही है, या ऐसे कोई आंदोलन होते तो इसके पीछे इन कंट्रीज का हाथ होता है, इसको मोटिवेट करते हैं ऐसे आंदोलन को। दूसरा, जो हमारी कंट्री में अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सेंट्रल पार्टी को हर कोई बदनाम करना चाहता है, जो पार्टी अभी सेंटर में है उसको हर कोई परेशान करता है, तो अपोजिशन पार्टी भी इस चीज़ में एक मुद्दा ढूंढ लेती है कि चलो हंगामा चल रहा है हम इसमें कूद जाते हैं। अभी रिसेंटली हम देखते हैं किसान आंदोलन का, जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ सब कूदी पड़ी हैं, चाहे ऐसा एलिगेशन लगा देंगे जिसका कोई सिर पाँव नहीं है। अभी एक ट्रैक्टर पलट गया, उस पर कांग्रेस के कई लीडर्स ने कहा कि एक किसान को गोली मार दी गई, लेकिन नहीं, बाद में हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि भाई ये किसान को गोली मार दी गई है और ये ट्रैक्टर पलट गया है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने ये एलिगेशन को सुना, पुलिस ने पूरी वीडियो जारी की, उसमें ये दिखाया गया कि ट्रैक्टर अपने आप पलट गया है। ट्रैक्टर चलाने वाला आ रहा था, उसने देखा कि आगे बैरिकेटिंग है, वो उसने मोड़ने की कोशिश की, ट्रैक्टर पलट गया। उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने इसको मुद्दा बना दिया, इसे कूद पड़े, ना सर पता है ना पाँव पता है कि न्यूज़ क्या है, और इन्होंने सीधा एलिगेशन लगा दिया पुलिस पे कि पुलिस ने किसान पे गोली चलाई है और वो ट्रैक्टर पलट गया। तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर पलटने वाली न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ों को फेक न्यूज़ बना करके, जैसे इसमें गोली चलाई गई किसान के ऊपर, ये फेक न्यूज़ फैलाई गई, और इस फेक न्यूज़ के थ्रू कोशिश की जाती है कितना ज़्यादा बदनाम किया जाए दिल्ली को या इंडिया को, और इससे अपना बेनिफिट निकाला जाए, चाहे अपोजिशन की पार्टियाँ हो या जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मीडिया है वो ऐसा करती है। दूसरा दोस्तों, जो अगर कोई बिल पास होता है, जो सिलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो इसको पास करते हैं, हम ही लोगों ने सिलेक्ट करके इनको भेजा है वहाँ पार्लियामेंट में, और ये हमारे बिहाफ पे वहाँ पे लॉ पास करते हैं। अगर सड़कों पे उतर के हंगामा करके लोग लॉ पास कराने लगे और आंदोलन करके लोग लॉ पास कराने लगे लाठी डंडों के दम पे, फिर सोचिए हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा और डेमोक्रेसी के नाम पे हमारा क्या मजाक उड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जैसे बजट सेशन का स्टार्टिंग हुआ और हमारे राष्ट्रपति जी का संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी लाइन कही, कि अगर संविधान आपको राइट्स देता है तो राइट्स के साथ साथ आपको ड्यूटी भी देता है, आपको अपने अधिकार की जानकारी है लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों की भी जानकारी होनी चाहिए। आप देश को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आप देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ माइंडसेट होता है, लोगों का पॉलिटिकल माइंडसेट होता है और कुछ मोटिवेटेड बंदे होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली परेशान हो रही है, हो सकता है नियर फ्यूचर और भी परेशान होगी, और ये आंदोलन के बहाने लोग डिस्टर्ब करेंगे पूरी कंट्री को, साथ दिल्ली तो होगी होगी डिस्टर्ब। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।